आप बैठे हैं हम कोरदार से देहरादून जाने के लिए मैक्स में बैठे हैं। देखो तो सबसे पीछे वाली सीट मिली मुझे, बहुत उल्टियाँ होगी मुझे पीछे वाली सीट में। देखो हरिद्वार, हरिद्वार पहुंच चुके हैं। देखो ये हरिद्वार का नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा हरिद्वार का। पहुंच गए हम मियाँ वाला बाला वाला मियाँ वाला फ्लाईओवर के सामने। देखो अब इस रोड पार करना, रोड पार करके साइड में जाना है हमें। हम मियाँ वाला देहरादून अब जाएंगे, हम बाला वाला यहाँ से हम रिक्शा पकड़ेंगे और यहाँ से बाला वाला। मेरे बेटे को थक लगी, सारे बैग उसी ने उठाए। देखो वो भी थक गई थी। देखो एक बैग ये, एक बैग ये, ये बैग ये, और तीन बैग मेरे पहले के जा चुके हैं। इतने तो सामान है, बहुत थकान लगी आज गाड़ी में, बाप रे। पहुंच गई मैं बाला वाला दीदी के घर पे। देखो यहाँ पे पर्दे उर्दे लगा रखे, यहाँ पे टेंट लगा रखा हल्का फुल्का, बाकी तो न्यू तेर का टेंट बाहर है। और ये मेरे भाई, मेरे जीजा जी हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं और जीजा जी। चलो अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो मेहमान भी आ चुके हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं। ये है ताई, दुल्हन की ताई है, दुल्हन की चाची है, ये दुल्हन की मामी है बड़ी, ये बहन है। तो दुल्हन की ताई की सुनो क्या बोल रही है। देखो सभी ने अपनी अपनी मेहंदी लगा के तैयार बैठे हैं, और ये मेरी बहन लगा रही है। देखो ये मेरे भाई की लड़की है, वो लगा रही है मेहंदी, और ये मेरी छोटी बुआरी, और ये है दुल्हन की छोटी चाची। देखो ये मेरी माँ यानी दुल्हन की नानी, ये दुल्हन की ताई। देखो तो सब अपनी मेहंदी लगा के बैठे हैं किनारे पे, और मैं तो अभी आ रही हूँ। अब मेरा नंबर होगा मेहंदी लगाने का, तो अब मैं लगाऊंगी मेहंदी। अभी तो फिलहाल मैं इनकी वीडियो वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी। और वैसे तो मेहंदी दुल्हन की तो कल लगेगी, लेकिन मैं आज ही लगा देती हूँ। चाची लोगों ने सबने आज लगा दिया, तो मैं भी आज ही लगा देती हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे आप तो साइड में आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पे देखो बच्चों का, यहाँ पे अपना लूडो खेल रहे हैं और इनकी आवाज़ भी आ रही है। बच्चों शोर मत करो, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तुम्हारी। तो देखो सब अपनी मेहंदी लगा के तैयार रेडी, और अब मेरा ना चलो अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो देखो ये है दुल्हन के भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये है दुल्हन का भाई, ये भी दुल्हन के भाई है, ये बहन है दुल्हन की, ये देखो दुल्हन की बुआ कोरदार से देहरादून आ रखी है, और घना घोर नींद में है। ये छुटकी छुटकी, ये छुटकी है मेरे जीजा जी यानी दुल्हन के पापा जी, अपने काम पे बिजी है, अपने काम काज में लगे हैं। और ये दुल्हन के मम्मी देखो, वो बेचारी भी काम कर रही है, उसका भी काम से फुर्सत नहीं है। और ये दीदी है दुल्हन की चाची, लेकिन कोरदार में भी मेरी दोस्त है, तो कोरदार में बिल्कुल हम दोनों बहनें दोस्त भी करते हैं और प्यार से भी रहते हैं, रिश्तेदारी भी निभाते हैं। तो बहुत सुंदर है दीदी। अब आया मेरा नंबर मेहंदी लगाने का। देखो एक हाथ में मेरी बहन लगा रही है और एक हाथ में मेरी बिटिया लगा रही है, तो दोनों हाथों में मेरी अलग अलग लगा रहे हैं। तो मुझे जल्दी लगाना है, तो मैंने कहा कि दोनों अलग अलग मेरे हाथों में लगाओ फटाफट से। और मैंने उसके बाद यहाँ पे दुल्हन के भाई लोग बैठे हैं, यहाँ पे आराम कर रहे हैं दुल्हन के भाई लोग यानी मेरे बेटे, सभी मेरे बेटे हैं और उनकी चाची का लड़का। अब बजे 6:30। देखो बाला वाला घूमने आ रखे हम शाम के टाइम, और आजकल शादियों का टाइम बहुत है, इनमें शादियाँ बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे ये वेडिंग पेंट है, ओम पैलेंस वेडिंग पेंट बाला वाला। तो यहाँ भी आज शादी है, तो आज शादियाँ बहुत ज़्यादा है। देखो वहाँ पे बगल में भी लाल लड़ी लगी है, जहाँ पे वहाँ पे भी शादी है। तो बाला वाला घूमने आ रखे हम आज, और शाम के 6:30 बजे
ऐसे घूमते घूमते आए हम इधर। तो ये ओम पैलेंस वेडिंग पेंट, यहाँ भी है शादी। शाम के टाइम हम घूमते घूमते आए देखो, और यहाँ पे रेस्टोरेंट होटल में थोड़ा स्प्रिंग रोल चाउमिन खाते हैं देहरादून बाला वाला। घूमते घूमते आए हम बाला वाला,